हेलो, वेलकम है। देखिए, हम लोग 7.3 NCERT का देखेंगे, है ना। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन करना है साइन स्क्वायर 2x प्लस 3dx, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन करना है। तो जो हम लोग लास्ट पढ़े थे लेक्चर में, जैसे वहाँ पे कर रहे थे ना, तो वहाँ यहाँ पे भी वैसे ही होगा, ठीक है। जैसे देखो, साइन स्क्वायर का तो इंटीग्रेशन आप नहीं जानते हैं, तो आप ऐसे इसको कीजिए, थोड़ा इसको कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है। साइन स्क्वायर को कैसे लिखा जाए कि आपका काम हो जाए, तो देखिए ट्राइगोनोमेट्री का फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग। क्या फॉर्मूला होता है? 2 sin² θ। किसको बोलते हैं? तो ये बोलते हैं हम लोग 1 cos² θ को, ठीक है ना। ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, क्योंकि देखो स्क्वायर में है, तो अभी तो ये इंटीग्रेशन नहीं होगा। तो इस तरह का फॉर्मूला लगा देंगे तो इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक है। और अगर मान लीजिए कॉस स्क्वायर रहता, 2 cos² θ, इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, 1 cos² θ लेते, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रखना है, इसी से हम लोग इसका इंटीग्रेशन करेंगे। और फॉर्मूला वगैरह देखना है तो आप ट्राइगोनोमेट्री 11th में पढ़े थे, तो वहाँ पे जाकर के रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। लिंक हम डाल देंगे, तो फॉर्मूला आपको वहाँ से रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे फॉर्मूला। देखो, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर है ना, 2 तो नहीं है, तो 1/2 लगा दीजिए, ठीक है। पहले 2 डिवाइड में चला गया, फिर क्या हो जाएगा, 1 cos² θ। तो 2 थीटा कितना है, एंगल 2x + 3 है ना। तो ये हो जाएगा, ओके, ये आपका हो गया dx। अब इसका इंटीग्रेशन करना इजी है, कैसे करेंगे देखो, 1/2, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे और बना करके लिख देते हैं, 1 cos² से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 4x और प्लस 6 हो जाएगा, और साथ में आपका dx, ठीक है। अब देखिए फाइनली क्या आ जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन तो x होगा, तो x/2 माइनस, यहाँ पे cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin होता है, sin 4x प्लस 6, ठीक है। अच्छा, इसका जो मल्टीपल है आपका वो है 4, है ना, तो 4 डिवाइड में आएगा, और 2 भी है आगे में, तो यहाँ पे 2 भी लिख दीजिएगा प्लस 6, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी ये 4 × 2 = 8 हो जाएगा, है ना। तो कभी भी इस तरह का होगा तो आपको ट्राइगोनोमेट्री का यूज़ करना है, हाँ। अच्छा, ये जो चैप्टर है ना पूरा, इसमें आपको ट्राइगोनोमेट्री का ही फॉर्मूला ज़्यादा यूज़ करना है, ठीक है। जैसे देखो, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है sin 3x cos 4x। अब इसका आपको इंटीग्रेशन करना है, तो फिर से वही बात कि इसका तो कोई फॉर्मूला है नहीं u × v का, तो आप ट्राइगोनोमेट्री में ढूंढो कि साइन ए कॉस बी कहाँ पे आता था। देखो, हम याद करके बता रहे हैं, आप देखिएगा तो, ठीक है। जैसे साइन ए माइनस साइन बी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है देखिएगा तो, 2 sin, इससे पहले कॉस आता है, 2 cos a + b/2, ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2, ठीक है। ये फॉर्मूला, तो इस फॉर्मूला का हम लोग देखो अभी यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। मतलब कॉस ए साइन बी है, तो एक तो ये फॉर्मूला आप इसको देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं, बता दे रहे हैं हम, कॉस ए इंटू साइन बी, ऐसा अगर होगा तो क्या करेंगे, 1/2 से डिवाइड कर दीजिएगा, क्योंकि 1/2 भी 2 भी होता है मल्टीपल में, है ना। और डायरेक्ट लिख देना क्या, साइन दोनों का सम, यानी ए प्लस बी माइनस साइन दोनों का डिफरेंस, यानी ए माइनस बी, ये आपका काम कर जाएगा, ठीक है। अब देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं कि ये दोनों एक ही फॉर्मूला है, कैसे, यहाँ पे अगर साइन साइन का डिफरेंस का फॉर्मूला लगाइएगा तो फिर से क्या आएगा, देखिएगा तो 2 cos दोनों का सम ए प्लस बी बाई 2, तो दोनों का सम करेंगे तो बी बी कैंसिल हो जाएगा, तो साइन cos a आ जाएगा, देख रहे हैं ना। और फिर
डिफरेंस बाई टू, तो डिफरेंस कीजिएगा तो टू बी बाई टू, तो आपका बी आ जाएगा। तो ये दोनों फॉर्मूला एक ही है, याद रखना। हाँ, मतलब कि यहाँ से ये आ जाता है, यहाँ से ये आ जाता है। याद करने के लिए दोनों याद भी रख सकते हैं, लेकिन यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग अभी जो है ये पूरा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ये वाला, ये जो पूरा फॉर्मूला हम लिखे हैं ये हम लोग अभी यूज़ करेंगे, ठीक है। चलिए यूज़ कीजिए। तो क्या हो जाएगा, ये आपका फॉर्मूला था, है ना, फार्मूला। फार्मूला का एक बार रिवीजन कर लीजिएगा तो इंटीग्रेशन इजी हो जाएगा। तो बोलो इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, आई इज इक्वल टू, चलिए लिखिए, तो वन बाई टू को बाहर लगा देते हैं, वन बाई टू, ठीक है। साइन ए प्लस बी तो ऐड कर दो, तो क्या आ जाएगा, थ्री एक्स प्लस सेवन एक्स कितना हो जाएगा, साइन सेवन एक्स हो जाएगा माइनस, ठीक है। फिर क्या है, फिर है हम लोगों का साइन ए माइनस बी, ए माइनस बी कीजिएगा तो क्या हो जाएगा। अच्छा देखिए, ए किसको ले रहे हैं ये भी देख लेना है आपको। हम लोग ना चूंकि पहले ए लिए हैं, देख रहे हैं ना, बाद में बी लिए हैं, ठीक है। तो कॉस ए साइन बी, यानी ये ए है और ये तुम्हारा बी है, ध्यान देना, ठीक है। तो क्या हो गया, साइन सेवन एक्स माइनस साइन ए माइनस बी, तो करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी, फोर एक्स माइनस थ्री एक्स क्या होगा, साइन एक्स हो जाएगा, डी एक्स। फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। चलो अब देखो क्या हो गया, वन बाई टू साइन सेवन एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, कॉस सेवन एक्स डिवाइडेड बाई सेवन माइनस, ठीक है। साइन एक्स का कितना हो जाएगा, कॉस एक्स, देख लो यही इसका आंसर होगा। बात फॉलो कर रहे हैं ना, ठीक है। तो ऐसे बनाना है, सिर्फ फॉर्मूला का आपको यूज़ करना है, ठीक है, ओके। अच्छा क्वेश्चन नंबर थ्री भी देख लो, थोड़ा हम उसको हिंट कर देते हैं, आप इसको बनाइएगा। थ्री में क्या दिया हुआ है, इंटीग्रेशन क्या है बोलो तो, कॉस एक्स कॉस टू एक्स, अच्छा कॉस टू एक्स है, कॉस टू एक्स कॉस फोर एक्स और कॉस सिक्स एक्स, तो कॉस टू एक्स हो गया, कॉस फोर एक्स हो गया और कॉस सिक्स एक्स हो गया, ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है ना, यहाँ पे भी हम लोग फार्मूला ही यूज़ करेंगे dx, मतलब यहाँ पे देखो आपको तीन दे दिया है cos, एक दो और तीन, ठीक है। तो करना क्या होगा, पहले आप दो ठो को लेके ऑपरेट कीजिए, ठीक है, मतलब पहले दो ठो ले लीजिए cos 2x और cos 4x को, है ना, और पहले इस तरह का फार्मूला लगाइए। तो हम लोग ये फार्मूला क्या लगाएंगे, क्या फार्मूला होता है बोलो, फार्मूला होता है cos a इंटू कॉस बी, चूँकि दोनों कॉस में है, इसका क्या होता है, इसका होता है वन बाई टू, ठीक है, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, ये फार्मूला यूज़ करेंगे अभी, ठीक है। तो ये फार्मूला यूज़ करेंगे तो देखो तो आई क्या आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू आ जाएगा आपका, वन बाई टू को बाहर कर दीजिए, ठीक है, कॉस ए प्लस बी दोनों को जोड़ दो, चार और दो कितना हो जाएगा छः, तो कॉस सिक्स एक्स हो गया, ठीक है, प्लस कॉस ए माइनस बी, तो फोर एक्स में टू एक्स को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस टू एक्स आ जाएगा। अच्छा यहाँ पे अगर किसी को भी ए लीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, याद रखिए, हाँ अगर टू एक्स को भी ए ले लेंगे तो टू एक्स माइनस फोर एक्स माइनस में आएगा, तो कॉस माइनस में भी रहता है तो प्लस होता है, प्रॉपर्टी याद है। तो ट्राइगोनोमेट्री एक बार रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे फिर देखो क्या आ गया, कॉस सिक्स एक्स ये बच गया। अब फिर से दोनों में दोनों को ऐसे कर दो, जैसे कैसे कर देंगे, वन बाई टू, ठीक है, कॉस सिक्स एक्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर सिक्स एक्स प्लस वन बाई टू, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कॉस क्या आ जाएगा, टू एक्स इंटू कॉस सिक्स एक्स आ जाएगा, देख रहे हैं ना। तो कैसे बनेगा, अब देखो वन बाई टू, अब यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगेगा, तो ये कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला आ गया, देखो शुरू में पढ़ाए थे, ये वाला लगेगा वन प्लस कॉस टू थीटा, तो टू आपका डिवाइड में चला जाएगा, तो वन बाई टू पहले से था फिर वन बाई टू आ गया, ठीक है। और अंदर में क्या आ जाएगा, अंदर में आ जाएगा वन प्लस कॉस टू थीटा, यानी सिक्स का डबल कितना हो जाएगा, ट्वेल्व एक्स डी एक्स, ये हो गया, ठीक है। अब देखो प्लस यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगेगा, तो फिर से यही फॉर्मूला कॉस ए इंटू कॉस बी, तो वन बाई टू पहले से है, वन बाई टू फिर आएगा, तो वन बाई फोर, ठीक है ना,
और फिर से कॉस ए प्लस बी, तो 6 + 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, प्लस दोनों का डिफरेंस कॉस ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा 6 - 2 4x हो जाएगा, देख रहे हैं ना। तो थोड़ा सा आपको अच्छे से ध्यान से देखना है और सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करना है, आपका बन जाएगा। सिर्फ अब आपको क्या करना है, आंसर लिखना है, आंसर लिख लीजिए। 1 का x हो जाएगा तो x बाई फोर, ठीक है। कॉस टू कॉस का क्या होता है साइन, तो क्या हो जाएगा साइन 12 लिख लो ऊपर में, साइन 12x, नीचे में 12 भी आएगा और 4 भी आएगा, 12 4 जाए कितना हो जाएगा 48, प्लस यहाँ पे कॉस 8 का क्या हो जाएगा साइन 8, तो साइन 8x नीचे में 8 आएगा और 8 4 जा 32 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे फिर से कॉस का क्या हो जाएगा साइन 4x नीचे 4 आएगा और 4 4 16 हो जाएगा, तो ये आपको आंसर मिलने वाला है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि सिर्फ आपको ट्राइगोनोमेट्री का फॉर्मूला यूज़ करना है, समझे, फार्मूला यूज़ कीजिएगा, ओके। अब यहाँ पे देखो कुछ दूसरा भी आंसर हो सकता है, कोई हर्ज का बात नहीं है। अगर आप इस दोनों को एक साथ लेंगे ना, शुरू में ये दोनों को एक साथ लीजिएगा तो क्या हो जाएगा 4 6 10 हो जाएगा, 6 4 2 हो जाएगा, तो 10x के फॉर्म में भी आ सकता है। अगर इन दोनों को लेंगे तो अलग आंसर आएगा, इन दोनों को लेंगे तो अलग, खैर आंसर कुछ भी आए इनडेफिनिट में सारा आपका करेक्ट है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है कि आपको फॉर्मूला ट्राइगोनोमेट्री का लगाना है। अगर ट्राइगोनोमेट्री का फॉर्मूला याद नहीं है तो हम लिंक में डाल देंगे, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, आप जा करके जो ट्राइगोनोमेट्री का जो बुकलेट है 11th वाला उसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। चलो इसको करो, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का 4 नंबर, साइन क्यूब 2x + 1 dx, ठीक है। साइन क्यूब है तो साइन क्यूब को हटाने के लिए आपको ट्राइगोनोमेट्री का लेना पड़ेगा हेल्प। क्या है ट्राइगोनोमेट्री का फॉर्मूला, देखिए तो ये फॉर्मूला लगाइए, साइन 3θ कितना होता है याद किए हैं, तो साइन 3θ होता है 3 sin θ - 4 sin³θ, ठीक है, ये होता है। तो यहाँ से अगर हम लोग 4 sin³ को अलग करेंगे या साइन क्यूब को अलग कीजिएगा तो क्या होगा, देखिए सिंपल लिख रहे हैं ना, साइन क्यूब थीटा यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 sin θ पहले लिखाएगा, ठीक है, फिर ये उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा -sin³θ, ठीक है, और इसका जो 4 था मल्टीपल वो डिवाइडेड में आ जाएगा 4। तो ये फॉर्मूला हम लोग अभी यूज़ करेंगे तो काम हो जाएगा, मतलब क्यूब को हटा देंगे तो ये लगा देंगे तो अब कहीं पे स्क्वायर वगैरह नहीं है तो आपका इंटीग्रेशन ईजी हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, देखिए इंटीग्रेशन आ जाएगा 1/4, चल लगाइए 3 sin θ, तो थीटा क्या है, थीटा जो है हम लोगों का ये पूरा थीटा है ना, ये 2x + 1 ये थीटा है, ठीक है। तो चलो लिखो, तो हो जाएगा साइन और 3 sin θ यानी 2x + 1 और माइनस फिर आपका साइन 3θ, तो थीटा कितना है 2x + 1 ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन करना तो ईजी है, कैसे इंटीग्रेशन होगा देखो, तो यहाँ पे 3 है तो 3/4, ठीक है। साइन का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है कॉस, तो कॉस 2x + 1 और इसका जो मल्टीपल है एक्स के साथ में 2 वो डिवाइड में आ जाएगा कोएफिशिएंट, ठीक है। फिर माइनस यहाँ भी देखिए 1/4 था तो 1/4 पहले आ जाएगा, अच्छा इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा कॉस, तो मल्टीप्लाई कर दो 6x और +3, ठीक है, और डिवाइड हो जाएगा किससे 6 से और पहले से आपका 4 है तो 6 × 4, तो फाइनली आपका आंसर आ गया। इसको आप सजा के लिख दीजिएगा क्या जी, है ना, सजा के लिख दीजिएगा, यहाँ पे 24 कर लीजिएगा, इसको 8 कर लीजिएगा। तो क्यूब सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड है, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपका क्वेश्चन आराम से बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे dx लगा दीजिएगा लास्ट में हो जाएगा, ठीक है, ओके। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। 5 नंबर क्या है देखो, 5 नंबर में है इंटीग्रेट करना है i = sin³x cos³x sin³x और cos³x dx को, इसको करना है।
यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दो, इसको भी हम लोग फॉर्मूला से बना सकते हैं, ठीक है। कौन सा? ये वाला ज़्यादा कटा है। अच्छा अच्छा ठीक है, थोड़ा पॉज करो। तो देखो अब क्लियर है, ठीक है, जो कटा था वो हम लिख दिए हैं, है ना। तो इसको भी आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा कैसे इंटीग्रेशन हुआ है। सिर्फ फार्मूला लगाए थे और फार्मूला को यहाँ पे पुटअप किए हैं और इंटीग्रेशन हो गया है, ठीक है। चलो नीचे आओ, अब यहाँ पे देखो साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन कैसे होगा ना। तो साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स का इसका दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो देखो जैसे फार्मूला हम लोग लगाए थे ऊपर में, तो एक आप फार्मूला से कर सकते हैं, ठीक है। जो इनडिफिनिट इंटीग्रेशन है ना, वो कई तरीके से हो सकता है। और दूसरा जो इसका तरीका है, जैसे आप पढ़ के आए हैं लास्ट जो आपका क्लास था उसमें आप क्या पढ़े थे लास्ट चैप्टर में, सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन करके भी आप इसको बना सकते हैं, पुट करके भी। तो याद रखो हम लोग को पढ़ना तो सारा कुछ है, लेकिन जो ज़्यादा ईजी है उसी को आपको अप्लाई करना है, ठीक है। तो ये देखो ये ज़्यादा ईजी है सब्स्टिट्यूशन, तो हम लोग क्या करेंगे इसको अप्लाई करेंगे। ये जो ईजी होगा ना वो आपको ज़्यादा बनाने में मज़ा आएगा। देखो हम नीचे वाले से बना रहे हैं सब्स्टिट्यूशन से, तो कैसे करेंगे सब्स्टिट्यूशन में देखो। तो इंटीग्रेशन क्या दिया हुआ है, आई इज इक्वल टू दिया हुआ है। सो देखो हम कैसे लिख रहे हैं ना, साइन क्यूब एक्स, फिर बगल में कॉस क्यूब एक्स है, तो उसको देखो ऐसे लिख दे रहे हैं कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स, लिख सकते हैं ना, ठीक है। उससे फायदा देखो अब क्या हो गया, आपको ये फायदा हो गया कि आप पुट कर दीजिएगा क्या साइन एक्स को, साइन एक्स को पुट कर दीजिए टी, तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस एक्स डी एक्स क्या मिलेगा हमको, डी टी मिलेगा, ठीक है। तो अब आप को देखिए कितना इजी हो गया, आई इज इक्वल टू ये हो गया। तो साइन क्यूब, तो साइन को टी पुट किए हैं तो ये टी क्यूब हो गया। कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, वन माइनस साइन स्क्वायर, यानी वन माइनस क्या हो जाएगा टी स्क्वायर, ठीक है। और बाकी जो बचा ये पूरा तुम्हारा कॉस एक्स और डी एक्स, ये क्या बन जाएगा, ये बन गया मेरा डी टी, देख रहे हैं इजी है ना, ठीक है, ये डी टी बन गया। तो अब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए सिंपली आपका आ जा रहा है टी क्यूब माइनस टी का पावर फाइव और डी टी, ठीक है। तो टी का पावर क्यूब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टी का पावर फोर बाई फोर, और टी का पावर फाइव क्या हो जाएगा, टी का पावर सिक्स बाई सिक्स प्लस सी। अब टी का मान डाल दो, टी क्या है साइन एक्स है, तो फाइनली आप टी के जगह पे साइन एक्स डाल दीजिए, तो साइन फोर एक्स बाई फोर माइनस साइन सिक्स एक्स बाई सिक्स प्लस सी। अब इसका आंसर कुछ और भी दिया हो सकता है बुक में, कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए कि हो सकता है फॉर्मूला से बनाया गया हो, तो फॉर्मूला से बनाएंगे तो इसको हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला से बनाने के टाइम में इसको आप पहले तो चाहिएगा तो साइन टू एक्स कर दीजिएगा, ठीक है। तो साइन टू एक्स कर सकते हैं, तो साइन टू एक्स का क्यूब का फॉर्मूला लगाइएगा जैसे ऊपर में लगाए थे ये वाला, तो वहाँ से दूसरा आंसर आएगा। और ये हम जो बनाया है सब्स्टिट्यूशन से, ये चूँकि ज़्यादा ईजी है तो ये दोनों आपका करेक्ट है, ठीक है। तो ऐसे देखो करना है। इसके बाद आ रहा है क्वेश्चन नंबर सिक्स, तो क्वेश्चन नंबर सिक्स जो है आप इसको बनाइएगा खुद से, ठीक है, ये आपका होमवर्क रहेगा, डी वाई एस डू योर सेल्फ। क्यों, ये क्वेश्चन नंबर तीन का एग्जैक्टली सेम है, जैसे तीन बनाए थे, तीन में कॉस का मल्टीपल था, अभी साइन का मल्टीपल है, तो ये आप बनाइएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेवन भी आप ही को करना है, ये भी बिल्कुल सेम है, चूँकि इसमें आपको साइन का प्रोडक्ट दिया हुआ है, तो जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर टू बनाए थे वैसे ही बनाना है इसको भी। फॉर्मूला आपको अगर नहीं पता होगा तो आप, ठीक है, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, वहाँ से फॉर्मूला देख के बनाइएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर एट देखते हैं इसके बाद क्या है। क्वेश्चन नंबर एट, क्वेश्चन नंबर जो हम लोगों का एट है, इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू क्या दिया है, वन माइनस कॉस एक्स है, वन माइनस कॉस एक्स बाई वन प्लस कॉस एक्स, ये है, ठीक है। चलो डी एक्स, अब यहाँ पे देखो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, कैसे, हम स्टार्टिंग में ही फॉर्मूला बताए थे आपको कि वन माइनस कॉस एक्स को क्या लिख सकते हैं, टू साइन स्क्वायर एंगल का हाफ एक्स बाई टू, ठीक है, डिवाइडेड बाई वन प्लस कॉस रहेगा तो क्या फॉर्मूला होगा, टू कॉस स्क्वायर
एंगल का हाफ, ठीक है, डी एक्स। अब देखो ये एंगल है x बाई टू, एक्स बाई टू है ना, तो अब देखिए 2 आपका कैंसिल हो गया, तो साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर हो जाएगा एंगल का हाफ, ठीक है। अब टेन स्क्वायर का फॉर्मूला तो नहीं होता है, तो टेन स्क्वायर को इंटीग्रेट करने के लिए क्या करेंगे, पहले से पढ़े हुए हैं, इसको आप बदल दीजिए सेक स्क्वायर में, तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस वन होगा ना फॉर्मूला, टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, ठीक है। अब सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आपको पता है क्या होता है, टेन एक्स, तो टेन एक्स बाई टू इसका इंटीग्रेशन हो गया, और जो मल्टीपल है कोएफिशिएंट 1/2 वो भी डिवाइड में आएगा, माइनस वन का हो जाएगा एक्स प्लस सी, इसको अरेंज करके लिख दीजिए 2 tan x/2 माइनस एक्स प्लस सी, देख रहे हैं ना, ठीक है। तो सिर्फ फॉर्मूला है और बहुत इजी क्वेश्चन है, इस सबको आपको ऐसे करना है, ठीक है। चलो देखो 9 है cos x बाई वन प्लस cos x dx, ठीक है। अब बहुत समय हम आपको हिंट करेंगे, जल्दी जल्दी बनेगा, देखिए कैसे करेंगे का? जैसे इंटीग्रेशन आई है ना, तो यहाँ पे क्या करो ना, अपने मर्जी से ऐसे कर दो, cos x प्लस वन लगा दो और माइनस वन लगा दो, ठीक है, नीचे में 1 cos x। देखिए कितना जल्दी बनने वाला है ये, कैसे देखिए, अब ये दोनों सेम है, डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा, तो सिर्फ 1 बचेगा माइनस, ठीक है, इससे डिवाइड कीजिएगा तो क्या बचेगा, 1/1 cos x, ऐसे लिख देंगे इसको, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फिर से 1 है, 1/1 cos x को क्या लिख सकते हैं, 2 cos² एंगल का हाफ, अभी यूज़ किए थे फॉर्मूला, तो उसी तरह का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, ठीक है, डी एक्स। फिर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 1 माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2 cos² के ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स। अभी पूरा आपका इंटीग्रेशन अरेंज हो चुका है, आसानी से बन जाएगा, ठीक है। 1 का क्या लिखेंगे, एक्स, ठीक है, माइनस 1/2 है, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है टेन, तो टेन एक्स बाई टू हो जाएगा, और जो कोफिशियंट है एक्स का 1/2 वो भी डिवाइड में आ जाएगा प्लस सी, तो ये 1/2 आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली आंसर आ गया एक्स माइनस टेन एक्स बाई टू प्लस सी। तो थोड़ा सा सोचेंगे तो आपसे आसानी से बन जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, साइन का पावर 4x है ना, कैसे बनेगा देखिए, 10 i इज इक्वल टू है साइन का पावर 4x। देखिए साइन का पावर 4x को कैसे करेंगे, तो देखो इसको हम लोग क्या यूज़ करेंगे, हम लोग पढ़े हैं ना कि साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है, अभी हम लोग देखे हैं 1 cos 2θ/2, इसका यूज़ कीजिए, इसका यूज कीजिएगा तो इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देखो अब हमको साइन 4 करना है, तो साइन 4 क्या है, इसका स्क्वायर है, यानी क्या है, साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर है, यही है समझ लो डी एक्स, यहाँ पे x है, ठीक है, x है तो x ही लिखेंगे वहाँ पे, ये है आपका x, ठीक है ना। अब देखिए तो ये हो जाएगा, अब ये फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 cos 2x/2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, साथ में dx, ठीक है। अब इसको खोलिए, 1/4 को बाहर कर दीजिए, और 1 a का स्क्वायर, फिर 2ab 2 cos 2x प्लस b का स्क्वायर, तो b का स्क्वायर क्या हो जाएगा cos स्क्वायर हम लोगों का 2x, cos स्क्वायर 2x आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा और मेहनत करना है, क्या करना है बता रहे हैं, देखिए फिर से इसका फॉर्मूला लगा दीजिए स्क्वायर वाले का, जैसे cos स्क्वायर का क्या लिख सकते हैं फॉर्मूला, हम लोग इसका लिखेंगे 1 cos 4x लिख देंगे, चूँकि एंगल का डबल होता है, और डिवाइडेड बाई 2,
ये हम लिख दे रहे हैं, ये आप अलग से लिख लीजिएगा लाइन में, लेकिन इसका जो फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर टू एक्स का वो यही होगा। और इसको लगा दीजिएगा तब आपका पूरा इंटीग्रेशन चला आएगा निकल के। कैसे आएगा तो देखिए, वन का हो जाएगा एक्स, तो एक्स बाई फोर, माइनस यहाँ पे टू से फोर काट दीजिएगा तो टू बचेगा ना, तो कॉस टू एक्स का हो जाएगा साइन टू एक्स, ठीक है। और नीचे में आ जाएगा टू, और पहले से भी टू है, टू टू या फोर, तो फोर आ जा रहा है, ठीक है, आप खुद से करके देखिएगा। फिर प्लस प्लस ये वन बाई टू, तो वन बाई टू और वन बाई फोर, तो वन बाई एट एक्स हो जाएगा, चूँकि वन का एक्स होता है। फिर माइनस कॉस फोर का क्या हो जाएगा साइन फोर, ठीक है, इसको हटा देते इधर, साइन फोर, और फिर ये नीचे में फोर आएगा, ठीक है, और यहाँ पे फोर टू जाए एट पहले से है, तो आपका थर्टी टू आ जा रहा है ना, फोर टू जाए एट, इसका फोर थर्टी टू है ना। अच्छा, अब ये तुम्हारा आंसर हो गया, इसमें तुम इसको मिला देना, इन दोनों को मिला के लिखना, एक्स बाई फोर है और ये एक्स बाई एट है, इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा थ्री एक्स बाई एट, ठीक है, तो ये थ्री एक्स बाई एट आएगा, माइनस ये वाला टर्म आ जाएगा आपका सेम, और ये टर्म आ जाएगा लास्ट वाला, ये वाला, ठीक है, बात फॉलो कर रहे हैं ना, तो अरेंज करके लिख लेंगे। तो देखो इस तरीके से बनाना है, थोड़ा दिमाग लगाना है, आपको बन जाएगा, ठीक है, कुछ खास नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 11, जो क्वेश्चन नंबर हम लोगों का 11 है, तो 11 आपका कॉस में है तो इसको आप खुद से बनाइएगा, चूँकि साइन का फोर बताए हैं उसी तरीके से आपको कॉस का फोर अप्लाई होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 नंबर, ठीक है, थोड़ा सा सोचना है, काफ़ी सिंपल है। 12 नंबर क्या है, 12 देखिए, 12 नंबर में है इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर डिवाइडेड बाई कॉस एक्स है। अब देखो ये कितना लॉलीपॉप क्वेश्चन है, थोड़ा सोचिए क्या करना है, एकदम सोच पाएंगे आप, हम आपको देखो हिंट कर दे रहे हैं। साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, वन माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं ना जी। अब ये क्या हो गया, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी इसको आप फर्दर तोड़िएगा तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और आपका एक ठो फैक्टर नीचे से कट जाएगा, देख रहे हैं ना, वन प्लस कॉस एक्स से कट जाएगा एक ठो, तो ऊपर में सिर्फ बचेगा तो आ जाएगा फॉर्म, ठीक है, ये आपको बनाना है। क्वेश्चन नंबर देखिए फिर 13 क्या है, 13 कॉस टू एक्स माइनस कॉस टू अल्फा, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। क्या है 13, कॉस टू एक्स माइनस कॉस डिवाइडेड बाई कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा, और साथ में डी एक्स है, ये हो गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ भी आप सिर्फ फॉर्मूला लगाइएगा ना तो आपसे बन जाएगा ये, ठीक है। कैसे करेंगे देखो, बता रहे हैं, ऊपर में कॉस टू एक्स है माइनस कॉस टू अल्फा, ठीक है, नीचे में कॉस एक्स है माइनस कॉस अल्फा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसको ऐसा करेंगे कि फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे कॉस टू एक्स माइनस कॉस टू अल्फा का, क्या हो जाएगा फॉर्मूला, तो फॉर्मूला होता है, ठीक है, टू, हालांकि ये भी बहुत इजी हो जाता, ये तो कॉस टू अल्फा है ना, ठीक है ठीक है, तो टू क्या होता है, साइन ए प्लस बी बाई टू होता है ना, तो हो जाएगा हम लोगों का एक्स प्लस अल्फा बाई टू और एक्स माइनस अल्फा बाई टू, इसको ठीक है, तो फॉर्मूला से लेंदी होगा इसको, बल्कि ऐसे करेंगे, देखिए ज़्यादा बेटर जो तरीका है सो, ठीक है, फार्मूला हम लोग पढ़े हैं ना, कौन सा फार्मूला, ये फार्मूला यूज़ करेंगे यहाँ पे। जैसे देखिए कॉस टू एक्स को क्या लिख सकते हैं हम लोग, टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन लिख सकते हैं, ये फार्मूला पढ़ा हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से कॉस टू अल्फ़ा को क्या लिख सकते हैं, टू कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस वन, ये सही है, ठीक है, इससे आपको ज़्यादा ईजी बन जाएगा। डिवाइडेड बाई क्या करेंगे, कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा, इससे जल्दी काम हो जाएगा आपका, ठीक है। वन वन कैंसिल कर दीजिए, वन वन कैंसिल हो जाएगा, देखिए अब आपका टू निकल जाएगा बाहर, ठीक है, क्या बच रहा है अंदर में,
कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा बच रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, इसको आप लिख सकते हैं ना ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ऐसे लिख दीजिए हाँ, ठीक है, डिवाइडेड बाई नीचे क्या आ जाएगा कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा, साथ में हो गया ये हमारा डी एक्स, ठीक है। चलो अब देखो ये पूरा फैक्टर आपका कैंसिल हो जा रहा है, तो इसका आंसर आप सिर्फ इसी से निकलेगा तो टू, ठीक है। कॉस का क्या होता है इंटीग्रेशन साइन एक्स, ठीक है, प्लस यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कॉस अल्फा क्या है कॉन्स्टेंट है ना, चूँकि इसमें कोई एक्स नहीं है, ये क्या है कॉन्स्टेंट, तो ये आपका कॉन्स्टेंट ही रहेगा कॉस अल्फा, और इंटीग्रेशन किसका होगा सिर्फ डी एक्स का, क्या तो डी एक्स का क्या होता है एक्स होता है, तो एक्स को आगे लिख दीजिए एक्स कॉस अल्फा प्लस सी, देख रहे हैं ना, ठीक है। तो इस तरीके से ये बनेगा, बहुत सिंपल सी फॉर्मूला एक अप्लाई करना है और आपका ये काफ़ी रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। चलो इसको ऐसे करो।